बिहार में इन दिनों जहरीली शराब से लगातार मौत हो रही है और नीतीश कुमार की फजीहत। नालंदा के बाद अब छपरा में भी जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है, जहां 3 दिन के अंदर 14 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि नालंदा में जहरीली शराब कांड से भी लगभग 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद से नीतीश कुमार के शराबबंदी की खूब फजीहत हुई। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत के बाद पुलिस इलाके में छापेमारी कर रही है। बिहार के सारण जिले में लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, साथ ही मौत की वजह भी अब जहरीली शराब के रूप में ही सामने आई है। दारू से हुआ है। दारू से? जी। ये घटना कब घटा है? कल शाम 5 बजे। कौन है ये? हमारे बाबा लगे थे। क्या नाम पड़ेगा? श्री रामनाथ राणा। उम्र? उम्र होगा 55-57। छपरा के जिला प्रशासन ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 14 के पास पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे के अंदर 9 और लोगों की मौत हो चुकी है। सभी 14 मौत 3 दिनों के अंदर हुई है, जबकि एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी चली गई है। इस मामले में सारण के DM राजेश मीना का कहना है कि प्रशासन इस मामले में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि शराब से मौत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम इस बात पर नजर डालेंगे। इस मामले में SP ने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष को और चौकीदार को निलंबित कर दिया है, जिन्हें पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। कैसे मौत हुआ है? कपार में दर्द पड़ी है। हाँ। बाद में एक डेने बाद में छाती में दर्द आया, और बाद में लगभग गिरे गिरे 5 बजे करीब में। कैसे मौत हुआ है? 2-3 गुलटियों के लिए। मौत कैसे हुआ है, क्या चीज से हुआ है? दारू से। कौन है आप? सरफिर है। वो कौन है? भाई है हमारा। कौन गाँव पड़ेगा? नसीबानपुर। और कैसे मौत हुआ है? दारू से हुआ है। दारू से? जी। ये घटना कब घटा है? कल शाम 5 बजे। कौन है ये? हमारे बाबा लगे थे। क्या नाम पड़ेगा? श्री रामनाथ राणा। उम्र? उम्र होगा 55-57। मालूम हो गया।